राजधानी के राजापार्क के एक निजी होटल में फिल्म चेंज का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म में सत्तू भैया का किरदार निभा रहे अमित सेठी, इमरान का पात्र कर रहे दीपांजन बसक, फिल्म के डायरेक्टर SRG प्रोड्यूसर बीना सेठी मौजूद रहे। 2 अगस्त को रिलीज हो रही यह फिल्म एक्शन और ड्रामे से भरपूर है। इस मौके पर फिल्म के अभिनेता अमित सेठी, दीपांजन बसक दोनों ही मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने फिल्म संबंधी अपने अनुभव भी शेयर किए। अभिनेता अमित सेठी ने बताया कि इस फिल्म में बंगाल पुलिस महकमे का काम दर्शाया गया है। आपको बता दें कि फिल्म चेंज अपराध ट्रेन में हुई एक लूट की घटना पुलिस महकमे के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म लूटपाट की सच्ची घटना पर आधारित है। मैं शेख इमरान नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ, और जो मेरा रोल किरदार है वो एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर है, तो और काफ़ी एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर है। इतनी बहुत बड़ी डकैती हुई है, एक अच्छी टीम को फॉर्म किया गया है ताकि ये क्रैकडाउन कर सके, मास्टरमाइंड को पकड़ सके, तो उसके लिए मुझे चुना गया है। और पर मैं मुसलमान हूँ, इसकी वजह से मेरी इंटीग्रिटी पे भी सवाल उठ रहे हैं, तो मैं एक इनर कॉन्फ्लिक्ट में हूँ। मुझे नॉट ओनली इस केस को क्रैक करना है, मैं अपनी ड्यूटी से इतना प्यार करता हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ फैमिली लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। तो ये फिल्म एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर है, काफ़ी फास्ट पेस्ड है और सत्य घटना पे आधारित है, इसलिए हमने रियलिटी से अपनी थोड़ी सी सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए थोड़े से चेंजेस किए हैं, पर ये एक्चुअली ये हुआ था। और ये जो पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने ये क्रैकडाउन किया केस, ये है अनसंग हीरोज़ जिन्हें वो ग्लोरीफिकेशन जो उन्हें मिलना चाहिए, जो उन्हें नेम और फेम मिलना चाहिए वो मिला नहीं, तो वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बंगाल पुलिस ने इस केस को क्रैक किया था और मास्टरमाइंड